सभी दोस्तों का मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि आप क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट को किस तरीके से अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि सभी व्यक्ति आजकल क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं लेकिन ये नहीं पता कि हम शॉपिंग एनी टाइम कर नहीं पाते हैं और शॉपिंग में पूरा क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो यूज़ भी नहीं कर पाते हैं। तो क्यों ना हम क्रेडिट कार्ड की लिमिट को अकाउंट में ट्रांसफ़र करके ATM से विड्रॉल कर सकते हैं और उसको यूज कर सकें। तो इसलिए सबसे पहले आपको दो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कीजिए। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद में उसके आपको पेटीएम एप्लीकेशन, पेटीएम, तो जैसे ये पेटीएम आ गई, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो ये कौन सी एप्लीकेशन? मोबाइल रिचार्ज, UPI, बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफर, इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद एक एप्लीकेशन और आती है, उस एप्लीकेशन को आप सर्च मार लीजिए, पेटीएम बिजनेस, पेटीएम बिजनेस। जैसे आप इस लिखोगे तो इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा पेटीएम फॉर बिजनेस। एक इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए। इन दोनों एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद में सबसे पहले आपको पेटीएम की एप्लीकेशन ओपन करनी है। इसको आप रजिस्टर कर लीजिए, मतलब इसमें आप लॉगिन हो जाए। जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको लॉगिन, सॉरी, रजिस्टर करने की। और जो अभी फर्स्टली यूज़ करेंगे तो वो इसमें रजिस्टर लॉगिन हो जाइए। जैसे आप इसको ऐसे ओपन करेंगे, ओपन होने के बाद में आप लॉगिन करने के लिए इसके कॉर्नर में यहाँ दिखाएगा लॉगिन, तो यहाँ पर आप, यहाँ से आप लॉगिन हो सकते हैं। जैसे मैं इसमें लॉगिन हो रखा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें लॉगिन हो सकते हैं। सेकेंडली, जो दूसरी एप्लीकेशन है वो पेटीएम बिजनेस के नाम से है। तो मेरे पास पेटीएम बिजनेस मैंने अभी ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, तो इसमें आप इसको ओपन कीजिए। तो इसके अंदर आपको क्या करना होगा, मैंने इसको ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, तो मैं इसमें अभी इसमें रजिस्टर में दोबारा तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक बार रजिस्टर होने के बाद दोबारा रजिस्टर नहीं हो सकता, क्योंकि हमको लॉगिन आईडी मिल जाती है, तो उसके बाद मैं दोबारा इसमें रजिस्टर नहीं हो पाऊँगा। तो इसलिए आप इसको, इसमें जो प्रोसेस है वो बहुत ही नॉर्मल सी प्रोसेस है इसके अंदर। तो आप इसको पहले इंस्टॉल कर लिए। इंस्टॉल करने के बाद में इसके अंदर जैसे आपने फोन पे का या गूगल पे का भीम एप्लीकेशन का नाम सुना होगा, तो उसमें आप अकाउंट नंबर को लिंक करना होता है। तो अकाउंट नंबर का लिंक करने के बाद आपका डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कहाँ से होगा? आपके अकाउंट नंबर से, आपके पर्सनल अकाउंट से। इस एप्लीकेशन का मात्र यही काम है, आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट करेगा, अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करेगा, डायरेक्ट इन एप्लीकेशन का यही काम है। इसका वो मतलब नहीं है कि आप इससे को रिचार्ज कर लोगे, वो इस पे ATM बिजनेस की एप्लीकेशन में आप रिचार्ज कर सकते हैं, नोर कुछ। मतलब इसका लिंक क्या होता है, आपके बैंक अकाउंट से हो जाएगा। अगर आप इस एप्लीकेशन में पैसे डालोगे तो कहाँ जाएगा? आपके पर्सनल बैंक अकाउंट में जाएगा। यही इसका डायरेक्टली काम है इसका। तो इसके अंदर आपको क्या करना होगा, इसमें आपको बैंक अकाउंट नंबर आप लिंक कर लेना, क्योंकि ये नॉर्मल से प्रोसेस में कोई बताने की ज़रूरत नहीं है इतनी। आप सब जानते हैं कि आप किस तरीके से लिंक करना चाहते हैं, किस तरीके से रजिस्टर करेंगे। आप अकाउंट नंबर इसमें रजिस्टर कर लीजिए, जैसे मैंने इसमें अकाउंट नंबर रजिस्टर कर रखा है, ठीक है, जिसमें इसमें कर रखा हूँ, मेरा मेरे नाम से इसमें रजिस्टर कर रखा हूँ, ठीक है। तो अब जैसे हम क्रेडिट कार्ड है अपने पास, क्रेडिट कार्ड सभी यूज़ कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड को किस तरीके से, आप पहले सबसे पहले क्या करना होगा, पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कीजिए। अब मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड का पैसा सबसे पहले आपको पेटीएम में डालना है, पेटीएम के बाद में आपको बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र करना है। तो मतलब किस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी फ्री में, कोई चार्जेज उसका नहीं है। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा पासबुक, मैं दोबारा क्लोज कर देता हूँ। अब जैसे आप पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कीजिए, उसके बाद में इसमें पासबुक नाम का एक आइकन दिखाई दे रहा है आपको, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। क्लिक किया, पेटीएम वॉलेट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, क्लिक कर दिए। इसके बाद में इसमें क्या दिखा रहा है, एड मनी टू पेटीएम वॉलेट, आप अपने वॉलेट में पैसे डालिए। मैं तो इसमें रोज़ाना ट्रांजेक्शन करता रहता हूँ, जैसे आप देख रहे हो 1,000 रुपये मैंने ऐड किए थे, फिर मैंने अकाउंट में डाल लिए, तो पहले भी 1,000 किए थे, पहले मैंने एक इसके ऊपर वीडियो बनाया था, लेकिन मैं दोबारा एक वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं भी कोई ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र नहीं करूँ, मैं दोबारा आपके सामने 1,000 रुपये का ट्रांजेक्शन करके दिखाऊंगा। तो ऐड मनी के ऊपर गए,
यहाँ पर आप जितना भी पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उतना पैसा आप इसमें डाल दीजिए। जैसे मैं 1,000 रुपये डाल देता हूँ इसके अंदर, एड मनी पे गया। अब इसमें आ गया। अब इसके अंदर तीन ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या आपका नेट बैंकिंग वाला है, ठीक है, नेट बैंकिंग वाला जो आपके पेटीएम से रजिस्टर हो रखा है। तो आपको किससे पैसे डालने हैं, आपको तो क्रेडिट कार्ड से डालने हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन चूज कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप जो भी आपका CVV नंबर है वो डाल दीजिए और इसको प्रोसेस कर दीजिए, प्रोसीड सिक्योरली। तो इसमें प्रोसेसिंग हो रही है, अभी कुछ टाइम लगेगा। अब OTP आएगा, OTP आने के बाद आप OTP डालिए, सबमिट कर दीजिए। जैसे मेरे पास OTP आ गया 0049790049 4949। तो इस तरीके से इसको पैसा अपने पेटीएम वॉलेट में डाल लीजिए। जैसे इसमें मेरे में क्या डल गया, योर पेटीएम वॉलेट 1,000 रुपये, एडेड सक्सेसफुली। तो अभी ये बैलेंस कहाँ पर मैंने डाला, ये अपने पेटीएम अकाउंट में मैंने ट्रांसफर, मतलब पेटीएम का जो वॉलेट होता है ना उसके अंदर डाल दिया। जैसे अभी ये पेटीएम का है, अब इसमें वो बैलेंस चेक करके दिखाता, मेरे पास 1,000 रुपये आए नहीं आए, इसमें अभी पेटीएम वॉलेट में आए नहीं आए। तो सबसे पहले पासबुक में जाइए, ये भी दिखा रहा 1,000 रुपये, अभी दिखाएगा पेटीएम वॉलेट का बैलेंस चेक करेगा। 1,000 रुपये मैंने डाला था, इसमें डाल दिया। अब क्या करना है, पेटीएम वॉलेट से आपको कहाँ करना है, पेटीएम वॉलेट से आपको ये पैसा ट्रांसफ़र करना है बैंक अकाउंट में। अभी आपने क्या किया, अभी आपने क्रेडिट कार्ड से पेटीएम वॉलेट में डाला है, और पेटीएम वॉलेट से आप कहाँ डालना है आपको, बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में डालना है तो बैंक अकाउंट डालने के लिए आपको कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ेगी, किसके थ्रू जाएगी, पेटीएम बिजनेस जो एप्लीकेशन थी उसके थ्रू जाएगी, जिसका आपने बैंक अकाउंट से लिंक कर रखा, जिस एप्लीकेशन को, जिसकी मैंने आपको बताया था प्रोसेस कि आप इसको बैंक अकाउंट नंबर से लिंक कर लीजिए, तो उस एप्लीकेशन के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। तो सबसे पहले पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। इसको ओपन किए, इसको ओपन करने के बाद में एक बीच में एक ये दिखाई दे रहा है आपको, एस्केप्ट पेटीएम पेमेंट, एस्केप्ट पेमेंट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो इसमें आपको एक QR स्कैनर दिखाई देगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से। मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड, जो इसमें नीचे डाउनलोड QR के नाम से आ रहा है, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा। अब वापस आप किस में चले जाइए, पेटीएम एप्लीकेशन चले जाइए। अब इसके अंदर क्या है, पे का ऑप्शन शो हो रहा है, इसमें पे के ऊपर क्लिक कीजिए, पे पे क्लिक किए। इसके बाद इसमें जो ये भी क्या कर रहा है, स्कैन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्कैन कहाँ से करें, हमारे पास इमेज नहीं। तो इमेज कहाँ से है, जो यहाँ पर इसके बगल में जो हो रहा है ना, जो दिखाई दे रहा है इमेज का आइकन शो हो रहा है, इस इमेज वाले आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। जब प्रेस किया तो आपके पास इमेज आएगी। अब इसमें आपका जो मोबाइल है, मेरे पास जैसे इसमें जो गैलरी वाला है इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो आपके पास इमेज आ जाएगी। एल्बम के ऊपर क्लिक कीजिए, क्योंकि मैंने डाउनलोड कर रखा, जैसे पिक्चर वाले मैंने डाउनलोड कर रखा, ठीक है। तो इसने ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेगा, आपका नाम अकाउंट नंबर सब इसमें लिंक है। अब कितने पैसे आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो, ये कहाँ से कट रहा है, पेटीएम वॉलेट से पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, आप कितना करना चाहते हो, मैं 1,000 रुपये ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ, 1,000 रुपये कर दिया। अब इसको पे सिक्योरली पे द क्लिक कर दीजिए। अब ये पैसा कहाँ जाएगा आपका, डायरेक्ट आपके अकाउंट में चला गया। जो ये पैसा मैंने ट्रांसफ़र कहाँ किया, पेटीएम बिजनेस में, लेकिन पेटीएम बिजनेस का लिंक किससे है, आपके पर्सनल अकाउंट से। तो ये पैसा आपके पेटीएम बिजनेस एप्लीकेशन के थ्रू डायरेक्ट आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गया। तो ये ही इस तरीके से आप इसको पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मैं इसका ट्रांजेक्शन देखता हूँ, ये पेटीएम बिजनेस के अंदर इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर ये पैसा क्या है मेरा आ गया, 11:08 मैंने ट्रांजेक्शन किया था, 1,000 रुपये आ गया। अब ये 1,000 रुपये है आपके ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में चला जाएगा, लेकिन इसमें कुछ टाइम लगता है आपको, जैसे 10 से 12 घंटे लगते हैं, ऑटोमेटिकली चला जाएगा। मैंने इससे पहले ट्रांजेक्शन कर रखे हैं, आपको ट्रांजेक्शन शो कर दिखाता हूँ मैंने कितने ट्रांजेक्शन कर रखे हैं। ये 1,000 रुपये मैंने कल भी ट्रांसफ़र किए थे, वो मेरे सुबह 5:09 में ट्रांसफ़र हो गए थे, अकाउंट में आ गए थे, मतलब मेरे जो बैंक अकाउंट में आ गए थे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली इससे पहले कि मैं आपको ट्रांजेक्शन और भी दिखाता हूँ, जैसे दिस वीक कस्टम डेट में दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं इस महीने के सारे ट्रांजेक्शन दिखा रहा हूँ आपको।
ठीक है, मैंने इतने ट्रांजेक्शन किए थे, सारे पैसे मैंने डाले थे, 2 बार मैंने 1,000 रुपये ट्रांजेक्शन किया, और मैं दोबारा ये 1,000 रुपये आज किया हूँ, ये जैसे ट्रांजेक्शन किया 11:05 वाला, 11:08 वाला, ये जैसे ये सेटल हो जाएगा, जैसे आपके बैंक अकाउंट चला जाएगा, 10 से 12 घंटे का टाइम लगेगा, इसके बाद ये इसके अंदर शो करने लग जाएगा, यहाँ पर सेटल्ड के अंदर शो करेगा, टाइम दिखाएगा, सेटल्ड दिखा देगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट में जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है पूरी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड का आपको जितनी लिमिट है 40,000 की लिमिट है, 40,000 रुपये आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट में अपना जो ये क्रेडिट कार्ड की लिमिट है पूरी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक पक्का कीजिए, और बेल वाले आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी नया लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक यू।